नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अब थम चुका है। प्रचार थमने से पहले उत्तर नगरी निकाय चुनाव में परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वही ताकत भी झोंक दी है और जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में मतदान होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बता दें 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान कराया जाएगा। और निकाय चुनाव के दूसरे चरण को देखते हुए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोई भी दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। सबका यही प्रयास है कि वो जीत हासिल करें। दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। बता दें 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा और इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां भी कर दी गई हैं। बता दें कि कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगा। बता दें 13 मई को रिजल्ट आ जाएगा। बता दें निकाय चुनाव में परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को साधने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं और कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखा जाए प्रचार प्रसार थम चुका है निकाय चुनाव का। कल दूसरे चरण के लिए मतदान होगा, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरे फेज का मतदान कल होना है। कल देर शाम से दूसरे फेज की जो तमाम मतदाता थे, तमाम प्रत्याशी थे, उनके मिलने का और चुनावी जो भ्रमण होता है, कार्यक्रम होते हैं, साथ ही साथ जनसभाएं होती है, उसको कल देर शाम 6 बजे से रोक दिया गया। जिसके बाद आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की तरफ से बताया गया कि 38 जिलों में ये मतदान हो रहा है, जिसमें 7 नगर निगम है। अगर बात की जाए इन 7 नगर निगम के अंदर में कहीं ना कहीं तमाम वरिष्ठ नेता जो सरकार में मंत्री है, साथ ही साथ पूर्व में मंत्री है, वो लगातार प्रचार किए हैं अपने दल के लिए और उनकी साख दांव पे है। आपको बता दें कि अगर 7 नगर निगम स्थलों की बात करें तो 6111 मतदान स्थल बनाए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से हर एक प्रयास किया गया है। प्रशासन की टुकड़ी को मतदान स्थल पे रखा गया है, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। साथ ही आपको बताएं कि हर एक राजनीतिक दल या निर्दल प्रत्याशियों की तरफ से एक पोलिंग एजेंट की भी स्वीकृति दी गई है, जो मतदान को पूरी निगरानी रख सकेगा। साथ ही आपको बताया मयूरी, इस बार के चुनाव को कहीं ना कहीं देखें तो देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। और बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नगर निगम है। अब बात करें तो 10 निगमों में चुनाव हो चुके हैं और 7 के बाकी है। साथ ही आपको बताएं कि अगर बात करें तो कानपुर, बाराबंकी समेत तमाम जो बड़े जिले हैं, वहां पर ये चुनाव हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल सुबह 6 बजे से और देर शाम 7 बजे तक मतदान होगा, जिसमें तमाम राजनीतिक दल और साथ ही साथ निर्दल प्रत्याशियों को जनता चुनेगी। अब बात करें तो इस चुनाव को लेकर लोगों की इसमें भागीदारी, इसको लेकर तमाम जगहों पर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि जिलाधिकारी की तरफ से मतदाता जागरूक रैली रखी गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट लोग दे सके। जी, हमारे साथ कानपुर से उपेंद्र जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, देखा जाए तो कानपुर में काफी दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही है और कल मतदान होगा, तो कैसी तैयारी देखने को मिल रही है? सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? जी मैं काम से
चुनाव प्रचार था वो थम चुका आज के बाद तो आज जो है वल्लभ मंदिर खड़ा हुआ मतदान का जो जाम थाना है वहाँ को लेकर पूरी तरीके से जो आज लगभग पोलिंग जो दूसरे मशीन है वो पोलिंग बूथ हर एक पोलिंग बूथ पहुंची सुरक्षा कर्मियों के तहत और पांच जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें सरकारी कर्मचारी जो है 10,000 सरकारी कर्मचारी जिनकी जो है चुनाव में पहुंची रही है और उसको देखा जाए पहले 33 जो पोलिंग अति संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उस पर ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी बराबर की जाएगी जिसपे ज्वाइंट मिनिस्टर मॉनिटरिंग करेंगे और बात कही जाए और जो पोलिंग बूथ पर जाए उसमें 60 ऐसे आदर्श पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं उपेंद्र आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ पा रही है, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान होगा, दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार थम चुका है। विवांशु देखा जाए तो आप यूपी की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, यूपी निकाय चुनाव में लोकल मुद्दे तो हावी रहते ही हैं, वहीं राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के मन में रहते हैं, तो 38 जिलों में मतदान होगा तो क्या लगता है राष्ट्रीय मुद्दे कितना हावी रह सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आपने तमाम नेताओं के जनसभाओं में सुना होगा, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां भी जनसभा की गई, लगभग योगी आदित्यनाथ की तरफ से 16 जनसभा प्रदेश में की गई, साथ ही साथ अखिलेश यादव की तरफ से 5 जनसभा की गई। वही अगर बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती और साथ ही साथ कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं चुनावों से दूर रही हैं, मगर इन दोनों नेताओं की अगर जनसभाओं की बात करें तो अपनी अपनी सरकार के कहीं ना कहीं एपीट थपथपाते हुए नजर आए हैं। जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर और इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और प्रदेश के अंदर में और केंद्र के अंदर में हमारी सरकार है, अगर निगम के अंदर में हमारी सरकार आती है तो हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर में जो भी नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहां पर कूड़ों का अंबार है, अगर सपा की सरकार आती है तो हम पारदर्शिता से काम करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि तमाम बातों पर जनता का कितना असर होता है, अब जनता वोट देते में किन मुद्दों पर वोट देती है वो नतीजों के बाद साफ होगा। आपको बताएं कि जब 13 मई को नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं इस बात से पर्दा उड़ जाएगा कि जनता किसको चुने और किसके साथ खड़ी रही चुनाव के दौरान। जी धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका है, 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा और मतदान को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी कर ली गई हैं, मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं बता दें कि पहले चरण का मतदान 4 मई को हुआ था और कल दूसरे चरण का होगा और 13 मई को रिजल्ट सामने आएगा। और एक कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर मैं कानपुर की बात करूँ तो निकाय चुनाव को देखते हुए क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कौन किसको टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? जी अगर बात की निकाय चुनाव की तो भाजपा जो है लगभग 28 सालों से भाजपा का गढ़ रहा है कानपुर नगर, पर इस बार अगर देखा है तो जो समाजवादी पार्टी के जो बदलवासी प्रत्याशी महापौर है उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रमिला पांडे जो महापौर है उनको लेकर काफी टक्कर जा रही है। अच्छी बात अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कानपुर में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दमखम चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि कल सुबह जो कल जो समाजवादी पार्टी के या पूर्व मुख्यमंत्री जो देखा है अखिलेश यादव कानपुर रोड सीधे थे उससे एक जन सैलाब था वो अलग ही आया है और अब जो है देखा है तो समाजवादी पार्टी के जो महापौर है उनसे काफी लोग जोड़ना चाहते हैं बताता हूँ। जी उपेंद्र, देखा जाए कल सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो मतदान केंद्रों पर कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी अगर जो कानपुर शाखा जो उन्होंने लगभग 500 केंद्र बनाए हैं कानपुर के अंदर, उस पर जो 33 संवेदनशील जो इलाके केंद्र है उसको लेकर ज्वाइंट कमिश्नर प्रकाश तिवारी जो सिस्टम को मॉनिटरिंग करेंगे और उसके बाद जो बाकी 60 पोलिंग कैसे बनाए गए हैं जिससे एक समाज को मैसेज देने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है स्लोगन है पहले जलपान फिर मतदान, उसको लेकर के इस तरह के कई स्लोगन जो है वो अपडेट किए गए हैं। आदर्श जो है पोलिंग बूथ बनाया गया है 60 पोलिंग बूथों को, उसको लेकर और जो मतदाता जो है उससे काफी उत्साह है क्योंकि अब की बार जो कानपुर की जनता है वो परिवर्तन चाहती है। जी धन्यवाद उपेंद्र हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
बता दें 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा और मतदान को देखते हुए तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसको देखते हुए तैयारियां भी पूरी की गई हैं। सपा ने उपचुनाव को लेकर आयोग से शिकायत की है। सपा ने पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। सपा ने पुलिस पर स्वार के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में परेशान करने का आरोप लगाया है। सपा ने आरोप लगाया कि आईडी चेक करने के नाम पर पुलिस मतदाताओं को परेशान कर रही है और पिटाई कर रही है। सपा ने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। बता दें कि रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों को बता दें सपा ने उपचुनाव को लेकर आयोग से शिकायत की है। पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। बता दें आज 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। वहीं सपा ने उपचुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाया है और आयोग से शिकायत की है। बता दें सपा ने पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। बता दें आज रामपुर की स्वर विधानसभा के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को लेकर बातें कही गई हैं। बता दें पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगा है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग करने से रोकने के आरोप लगाए थे और एक बार फिर से सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बता दें कि रामपुर की स्वार सीट 96 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बता दें मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर 10.14% मतदान हो चुका है। सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। बता दें समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है, ये अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां रामपुर की स्वार विधानसभा के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र टांडा जगह का नाम लिखते हुए रसलपुर, फरीदाबाद, सुमेरपुर, मिलन समेत तमाम जिलों को लेकर, तमाम जगह को लेकर आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि आईडी चेक करने के नाम पर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, मुस्लिम वोटरों को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। बता दें कि पहले चरण के मतदान को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा था कि मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग करने से रोका जा रहा है। आखिर पुलिस वालों को आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया, ये अखिलेश यादव ने पहले चुनाव में भी कहा था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान करने का आरोप लगा है। आईडी चेक करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं चुनाव आयोग से कहा गया है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लें, निष्पक्ष मतदान की मांग की गई है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ चुके हैं। विवांशु, सपा ने उपचुनाव को लेकर आयोग से शिकायत की है, क्या कुछ शिकायत की है और ये कितना सही है? चुनाव हो रहा है थांडे और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वार से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद इन दोनों सीटों पर मतदान हो रहा है आज उपचुनाव के तहत। आपको बताया कि सबसे पहले 11 बजे तक अगर आप बताएं तो स्वार में 18.40% मतदान हुए हैं। वहीं अगर थांडे की बात करें तो 19.16% मतदान हुए हैं। इस मतदान के बीच अगर बात की जाए तो स्वार से अनुराधा चौहान प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर स्वार के अंदर में अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खान की साख दांव पे है। ये दोनों नेता कहीं ना कहीं स्वार के इस विधानसभा पर पूरी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये चुनाव करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास किए हैं। वही अगर बात की जाए तो आज देर सुबह जब मतदान शुरू होता है 7 बजे से, उस वक्त समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसमें बताया जाता है
कि थानिम और मिर्जापुर की कई विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए नजर आए हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है। और साथ ही आपको बताया कि इन दोनों सीटों पर अपना दल एस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के घटक दल है ये दोनों, ये दल। और साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ बूथ संख्याओं को नोटिफाई करके कहा गया है कि यहाँ पर पोलिंग एजेंट बनाने से पीठासीन अधिकारी कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं। तो इन दोनों आरोपों को लेकर अब प्रदेश के अंदर में ट्विटर पर देखा जाए तो एक ट्विटर पर एक जंग जारी है। साथ ही साथ आपको बताया कि राज्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार की तरफ से कहा बताया गया है कि उपचुनाव को पूरी सफलतापूर्वक कराया जा रहा है। अब बात करें तो इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं देखे तो प्रदेश के अंदर में निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये दोनों सीट एक महत्वपूर्ण सीट है। और स्वार सीट की अगर बात करें तो अब्दुल्ला आजम यहाँ से दो बार के विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें कि कल बात करें तो आज मतदान हो रहा है, 13 मई को इन दोनों सीटों का उपचुनाव का नतीजा होगा। देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोप के बीच सियासी जो ऊंट है वो क्या रख लेगा। जी देखिए, जब 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ तो भी अखिलेश यादव ने कहा था कि मुस्लिम वोटरों को वोटिंग करने से रोका जा रहा है, पुलिस को किसने अधिकार दिया आईडी चेक करने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से पुलिस की जिम्मा दिया जाता है, वो सुरक्षा का जिम्मा होता है। और कहीं ना कहीं जो चुनाव में तमाम चुनाव कराने के लिए अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं उनका इससे बात को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आक्रोशित हुए थे। और उनके पर्सनल ट्वीट से साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के ट्वीट से ये ट्वीट हुई थी। अगर बात की जाए तो 4 मई के फर्स्ट फेज के निकाय चुनाव के मतदान को देखे या कल होने वाले निकाय चुनाव को देखे या आज के उपचुनाव को देखे, ये तीनों कहीं ना कहीं चुनावी दिन महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि एक सालों में लोकसभा का चुनाव है और सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टियों को बूस्ट करने के लिए उपचुनाव और निकाय चुनाव में एक बेहतर रिजल्ट चाहती है। अगर बात की जाए तो सभा की तरफ से पहले पेज में आरोप लगाया गया था कि पर्दा नशी लोगों के पर्दे हटाकर पुरुष पुलिस यानी कि मेल पुलिस उन्हें चेक कर रही है, जिस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। और आज एक बार फिर कहीं ना कहीं पीठासीन अधिकारियों को सवाल करते हुए मिर्जापुर की कई बूथों पर एजेंट न बनाने के आरोप लेकर सपा की तरफ से ट्वीट आया है। और बात करें तो साफ तौर से चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश है कि किसी व्यक्ति को मोबाइल फोन लेकर वोट देने नहीं जाना है, साथ ही आपको की पहचान पत्र और वोटिंग की पर्ची लेकर जाना है। और इन नियमों के विपरीत जिनको चुनाव आयोग के तमाम जो कर्मचारी हैं वो पा रहे हैं उन्हें वोट देने से कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। और आपको बताएं कि ये कहीं ना कहीं देखें तो तमाम जो चुनाव आयोग की तरफ से नॉर्म्स आए हैं उसके विपरीत जो हो रहा है उनको वोट से रोका जा रहा है, जैसा राज्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बताया जा रहा है। जी विवांशु, ये जो दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है बड़ी दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही है, तो क्या लग रहा है कैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी अभी ये कहीं ना कहीं देखिए जब 13 तारीख को नतीजे आएंगे उसके बाद साफ होगा, क्योंकि जनता जनार्दन आज जाकर सुबह 7 बजे से और शाम के 6 बजे तक मतदान देगी। और वोट फीसदी से ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में जनता अपने घरों से निकल रही, इसका नतीजा है कि 11 बजे तक लगभग दोनों सीटों को अगर काउंट करके देखें तो 20% मतदान हुए हैं। अगर बात की जाए तो स्वार के अंदर में अब्दुल्ला आजम दो बार के विधायक हैं और एक मामले में उनको जब 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो उनकी सदस्यता जाती है। वही 96 विधानसभा की अगर बात करें तो 96 विधानसभा से विधायक की मृत्यु होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और इन दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अपना दल एस और समाजवादी पार्टी के बीच एक कड़ा मुकाबला हो रहा है। अब नतीजे के बाद साफ होगा कि किसके पाले में ये दोनों सीट सही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विवांशु हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें आज दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है जिसमें स्वार और
96 सीट पर मतदान सुबह से ही शुरू है और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी की गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से वोटिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।